हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे हार्डी मजबूत पक्के सकुलेंट्स जिनको इस टाइम पर आप लोग सिंगल लीफ यानी कि एक एक पत्ती से भी ग्रो कर सकते हैं। इनमें से कुछ सकुलेंट तो ऐसे हैं जिनकी एक ही पत्ती में से कई कई सारे पौधे बन जाते हैं, जैसे कि आप लोग ये सामने देख रहे हैं साइडों से इसमें बेब प्लांट निकल रहा है। इनको आप लोग कटिंग से तो ग्रो करते ही हैं, लेकिन कटिंग ना लगा करके या तो देखिए इस तरीके से साइडों से इनमें ये बेबी प्लांट निकलते हैं, इनको अलग अलग करके लगा लीजिए, या फिर सिंगल पत्ती में से भी इनमें से पौधे बन जाते हैं जैसे कि आप लोग सामने देख रहे हैं। तो इनको इस टाइम पर यानी कि जनवरी के महीने में, जनवरी शुरू होने ही वाला है, सिंगल सिंगल पत्ती को ग्रो कर लोगे तो आने वाले स्प्रिंग सीजन में आपके पास इनके ढेरों पौधे बन करके तैयार हो जाएंगे। तो चलिए, इनकी पत्तियों को ग्रो करने के लिए मिट्टी किस तरीके से आपको तैयार करनी है, वैसे मैं अपनी पिछली वीडियो में भी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर हमने 80% रिवर सैंड, 20% गार्डन सोयल को लिया है और इस मिट्टी को पहले से ही हमने 50% गीला कर लिया है, यानी कि इस मिट्टी में इतनी नमी बनी हुई है, जब इसको हम बांध रहे हैं तो इसका लड्डू सा बन रहा है, लेकिन जैसे ही हम इसको छोड़ रहे हैं ये तुरंत मिट्टी खुल रही है, क्योंकि सकुलेंट जो होते हैं इनकी पत्तियों को जब हम ग्रो करेंगे या फिर बेबी प्लांट को भी, उनमें ऊपर से हम पानी को नहीं डालेंगे, तो इसलिए इनकी मिट्टी को पहले से ही आपको 50% गीला कर लेना है। इस तरीके के मिठाई के डिब्बी डुब्बे जो आते हैं, इनकी गहराई ज़्यादा नहीं होती है, तो इस तरीके के पॉट में यानी कि इस तरीके के प्लास्टिक में आप लोग इनकी पत्तियों को या फिर बेबी प्लांट को ग्रो कीजिए। सबसे पहला जो प्लांट है, देखिए ये लक्ष्मी कमल की एक वैरायटी है, इनमें साइडों से छोटे छोटे बेबी प्लांट भी निकलते हैं। बेबी प्लांट भी अगर ना निकले तो ये पौधा तो इतना हार्डी होता है, इसकी हर एक पत्ती जहाँ भी टूट करके गिर जाती है वहीं से उसमें पौधा बन जाता है। लेकिन पत्ती को ग्रो कैसे करना है, देखिए जैसे कि हम लोग इस पत्ती को रख रहे हैं इस साइड से, ये होती है सीधी तो आपको इस तरीके से रखना है, ये होती है उल्टी वाली साइड तो आपको इस तरीके से नहीं रखना है, इस तरीके से सीधा करके इस पत्ती को रखना है। बहुत ज़्यादा पत्ती को नीचे मिट्टी में नहीं धंसाना है, केवल हल्का सा रखना है। ये जो पत्ती आप लोग सामने देख रहे हैं, देखिए छोटी सी पत्ती है और इसमें कितना बड़ा बेबी प्लांट निकल रहा है, रिजल्ट आप लोगों के सामने है। अगला जो प्लांट है ये है देखिए रबर प्लांट। रबर प्लांट को मैंने कहा था कि इस टाइम पर इसकी कटिंग तो नहीं लगेगी, लेकिन इसको चाहो तो आप लोग पत्ती से ग्रो कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से इनकी पत्तियों को तोड़ना है। आपको एक बात ध्यान रखनी है, इस तरीके की पत्तियों को तोड़ते हुए इनका नोड एरिया खराब नहीं होना चाहिए, जहाँ से हम पत्ती को तोड़ते हैं वो खराब नहीं होनी चाहिए। देखिए अभी मैं आपको बताती हूँ कि पत्ती को पौधे के ऊपर से कैसे आपको तोड़ना है। जैसे कि ये क्रोटोन का पौधा है, तो देखिए इसकी पत्ती को बिल्कुल इस पौधे की जड़ में से यानी कि इसकी स्टेम की जड़ में से पत्ती को इस तरीके से तेज हाथों से प्रेस करके तोड़ना है। अगर इसका नोड एरिया यानी कि पत्ती का आगे वाला हिस्सा खराब हो गया, बिल्कुल जड़ में से नहीं टूटा है, तो फिर पत्ती आपकी ग्रो नहीं होगी। तो क्रोटोन की भी पत्ती को आप लोग देखिए इस तरीके से ग्रो कर सकते हैं। इस टाइम पर इनकी कटिंग तो नहीं लगेगी, लेकिन पत्ती ग्रो हो जाएंगी। अगला जो प्लांट है ये सनस्वीरिया की एक वैरायटी है। स्नैक प्लांट की कोई सी वैरायटी हो, वो सिंगल लीफ यानी कि पत्ती से प्रोपगेट हो जाती है। लेकिन पत्ती कैसी लेनी है, देखिए ये जो आप लोग सामने देख रहे हैं ये इसकी मेच्योर पत्ती है, यानी कि थोड़ी पुरानी पत्ती आपको लेनी है। ये वाली जो पत्ती आप लोग देख रहे हैं ये नई पत्ती है, तो ये गल जाएगी, ये ग्रो नहीं होगी। तो इस तरीके से थोड़ी सी मेच्योर लीफ को पत्ती को लेना है। इस टाइम पर इसकी पत्ती को आप लोग ग्रो करोगे तो पूरे अच्छे तरीके से ग्रो होने में कम से कम 1 से 1.5 महीना ले लेगी, लेकिन जैसे कि रेनी सीजन या स्प्रिंग सीजन में इनको हम ग्रो करते हैं तो 15 दिन में इसकी पत्ती में रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। ये देखिए ब्लैक एचिवेरिया के नाम से इसको जाना जाता है। इसमें से साइडों से बेबी प्लांट भी निकलते हैं या फिर सिंगल पत्ती को भी इसकी ग्रो कर सकते हैं। देखिए इसमें दो पत्तियों को मैंने रख दिया था, आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा बेबी प्लांट बनकर के तैयार हुआ है। इनकी जो पत्तियां हैं यानी कि मदर लीफ है वो गल चुकी है, सूख गई है। नेक्स्ट जो प्लांट है, देखिए ये सीडम की एक वैरायटी है, इसको भी सिंगल लीफ से आप लोग आसानी से प्रोपोगेट कर सकते हैं। इस टाइम पर सकुलेंट्स जो होते हैं इनकी लीफ में रूटिंग बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाती है, जैसे कि आप लोग सामने देख रहे हैं 15 दिन में इस तरीके से बेबी प्लांट बन गया है। नेक्स्ट जो प्लांट है ये सीडम
सीडम में बहुत सारी वैरायटी आती है, हर एक वैरायटी को आप लोग सिंगल लीफ से आसानी से प्रोपोगेट कर सकते हैं। इनकी भी जो पत्तियां हैं थोड़ी सी आपको मेच्योर लेनी है, यानी कि जो पुरानी पत्ती होती है उसको आपको देखिए इस तरीके से मिट्टी में रख देना है, बहुत ज़्यादा मिट्टी के अंदर तक नहीं धंसाना है। देखिए आप लोग देख रहे हैं इनमें 8 से 10 दिन में इस टाइम पर ये बेबी प्लांट निकल आएगा, यानी कि विंटर में बहुत अच्छे से ये जो सकुलेंट है ग्रो भी करते हैं और पत्तियों में भी जल्दी रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। ये स्ट्रिंग ऑफ बनाना है, इसकी भी देखिए आप लोग सिंगल पत्ती से भी इसको ग्रो कर सकते हैं, जैसे कि इस तरीके से इनकी पत्तियों को लेना है और इस तरीके से केवल पत्तियों को मिट्टी में खड़ा कर देना है या रख देना है, या फिर देखिए इस तरीके से साइडों से ये छोटे छोटे से जो बेबी प्लांट निकल रहे हैं इनको इस तरीके से तोड़ना है, तोड़ करके मिट्टी में सिर्फ आपको इस तरीके से हल्का सा टच कर देना है, रख देना है। आप लोग देख सकते हैं मैंने कितने सारे ये तोड़ करके इसी तरीके से बेबी प्लांट को लगाया है। नेक्स्ट जो प्लांट है ये भी लक्ष्मी कमल की ही एक वैरायटी है, लक्ष्मी कमल में बहुत सारी वैरायटी आती हैं। तो देखिए ये जो प्लांट है लास्ट ईयर विंटर में मेरे पास था, लेकिन रेनी सीजन में इसको मैं नहीं बचा पाई थी, लेकिन इसकी कुछ पत्तियां मैंने बचा करके इस पॉट में डाल दी थी। आप लोग देख सकते हैं एक बेबी प्लांट इसका बन करके तैयार हो गया है, इसको भी आप लोग पत्ती से भी ग्रो कर सकते हैं और साइडों से जो बेबी प्लांट निकलते हैं उनसे भी आप लोग ग्रो कर सकते हैं। अगला जो ये प्लांट है ये है देखिए स्टिंग ऑफ पर्ल, इसको भी आप लोग सिंगल सिंगल इसके ये जो पर्ल हैं मोती हैं इनको तोड़ करके मिट्टी में देखिए आपको ये बात ध्यान रखनी है कि इनका नोड एरिया यानी कि नीचे वाला जो ये हिस्सा है ये मिट्टी से टच होना चाहिए, तभी इनमें रूटिंग स्टार्ट होगी। तो देखिए इस तरीके से एक एक मोती को तोड़ करके मिट्टी में आपको केवल रख देना है, नीचे तक नहीं दबाना है। अगला जो ये प्लांट है इसको क्रेसुला ओवेटा के नाम से जाना जाता है, ये जेट प्लांट की एक वैरायटी है। इस पौधे को घर में लगाया जाना कहते हैं शुभ भी माना जाता है। तो इसकी भी देखिए इस तरीके से सिंगल सिंगल पत्ती को आपको तोड़ना है और मिट्टी में देखिए इस तरीके से रख देना है। अगला जो प्लांट है ये है देखिए इंग्लिश आइवी का, इसके टिप वाले हिस्से की एक एक इंच की भी कटिंग आप लोग लगा दोगे तो कटिंग से भी ये ग्रो हो जाता है और ये सिंगल पत्ती से भी प्रोपगेट हो जाता है। पत्ती को तोड़ते हुए सिर्फ एक बात ही आपको ध्यान रखनी है कि पत्ती का नोड एरिया खराब नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है जेट प्लांट, जेट प्लांट को आप लोग सिंगल पत्ती से भी ग्रो कर सकते हैं या टिप वाले हिस्से की एक एक इंच की कटिंग भी आपको मिल जाती है उसको भी लगा दीजिए। देखिए इस तरीके से पत्तियों को तोड़ना है ताकि इनका जो नोड एरिया है वो खराब ना हो। अगला जो प्लांट है कलेंचो मरियाना के नाम से इसको जाना जाता है, ये पौधा तो इतना हार्डी होता है कि इसकी एक ही पत्ती में से कई कई सारे पौधे बन जाते हैं, साइडों से भी इसमें बेबी प्लांट निकल जाते हैं इसकी पत्तियों में से। तो इसकी पत्तियों को भी देखिए इस तरीके से आपको मिट्टी में रख देना है। देखिए जैसे कि आप लोग सामने देख रहे हैं इसके साइडों से भी बेबी प्लांट निकल रहा है, यानी कि जैसे हम कहते हैं ना कि पत्ती की नोड एरिया से रूटिंग स्टार्ट होगी, लेकिन इस पत्ती की साइड से भी बेबी प्लांट निकलते हैं। अगला जो प्लांट है ये भी सकुलेंट फैमिली से ही बिलोंग करता है, इसको भी आप लोग सिंगल पत्ती से ग्रो कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से इनकी पत्तियों को तोड़ लेना है, ध्यान रखना है बस नोड एरिया खराब नहीं होना चाहिए पत्ती का, इस तरीके से पत्ती को आपको रख देना है। अगला जो प्लांट है यह देखिए बनी कैक्टस के नाम से इसको जाना जाता है, ये प्लांट भी मेरे पास नहीं था तो नर्सरी से ही एक मैं छोटी सी इसकी इस तरीके से पत्ती तोड़ करके यानी मांग करके लाई थी, उसको इस तरीके से इस छोटे से पॉट में मैंने लगा दिया था। अब देखिए ये पत्ती भी ग्रो हो गई है और पत्ती के ऊपर से एक छोटा सा बेबी प्लांट भी निकल रहा है, तो अब मैं इसको तोड़ करके लगा दूंगी। ये भी कैक्टस की एक वैरायटी है, इसकी भी देखिए इस तरीके से साइडों से छोटी छोटी पत्तियों को आप लोग तोड़ लीजिए, इनको इस तरीके से आप मिट्टी में केवल हल्का सा टच कर देना है। ये तो बहुत हार्डी पौधे होते हैं। ये सीडम की एक वैरायटी है, ये तो ऐसी होती है इसकी पत्तियां अपना मेरे गार्डन में टूट करके गिरती रहती हैं, जहां जहां इसकी पत्तियां गिरती हैं वहां वहां इसके पौधे बनकर के तैयार होते रहते हैं। नेक्स्ट प्लांट है ये है देखिए हाईवे कलेंचो, कलेंचो की कोई सी वैरायटी हो इनको आप लोग सिंगल पत्ती से भी ग्रो कर सकते हैं। देखिए ये हाइब्रिड और वेरिएटेड वैरायटी की जो पत्तियां हैं वो मैंने ली हैं, इनको भी केवल तोड़ते हुए एक बात ध्यान रखनी है कि पत्ती का नोड एरिया खराब नहीं होना चाहिए। देखिए इस तरीके से इनकी पत्तियों को मिट्टी में हल्का सा अंदर तक दबा देना है। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए पेपरोमिया का, पेपरोमिया में हालांकि कुछ और वैरायटियां भी आती हैं लेकिन इसकी जो पत्तियां आप लोग सामने देख रहे हैं इस पौधे की पत्तियां ग्रो हो जाती हैं।
पत्ती देखिए आपको इस तरीके से लेनी है और मिट्टी में इस तरीके से जैसे हमने कलैंचो की पत्तियों को लगाया था इस तरीके से लगा देना है। और भी बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिनको आप लोग सिंगल पत्ती से ग्रो कर सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट किसी वीडियो में आप लोग के साथ मैं शेयर करूंगी क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाता है। तो आप लोगों के पास भी ये पौधे नहीं हैं, कहीं से आपको इनकी सिंगल पत्ती भी मिल जाती है, उसको ला करके मिट्टी में इस तरीके से रख दीजिए तो आपके पास भी इनके पौधे बन करके तैयार हो जाएंगे। सभी लोग जानते हैं सकुलेंट जो होते हैं काफ़ी कॉस्टली आते हैं, इसलिए आपको अगर इनका कहीं से छोटा बेबी प्लांट भी मिल जाता है या फिर कहीं से इनकी सिंगल सिंगल पत्ती भी मिल जाती है उसको ला करके जनवरी के महीने में ग्रो कर लीजिए, क्योंकि जनवरी के महीने में यानी कि दिसंबर और जनवरी में जैसे ठंड जितनी ज़्यादा ठंड पड़ती है उतनी तेज़ी से ये ग्रो करते हैं और पत्तियाँ बहुत जल्दी ग्रो हो जाती हैं इस टाइम पर। किसी अदर सीजन में जैसे रेनी सीजन में या समर में पत्तियाँ या तो सूख जाती हैं या गल जाती हैं, या ये बहुत अच्छा टाइम है इस टाइम पर अगर पत्ती से आपको ग्रो करने हैं तो इस टाइम पर ग्रो कीजिए, स्प्रिंग सीजन तक आपके पास इनके ढेरों पौधे बनकर के तैयार हो जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।